अब देखिए, तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सिरसा विधायक गोपाल कांडा की बैठक के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इस बैठक के बाद से ही सीएम कार्यालय एक्टिव हो गया है और मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव के मकरंद पांडुरंग ने सिरसा का दौरा करते हुए वहां के तमाम मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार कर ली है। तिहड़ विस्थापितों के साथ ही नशा मुक्ति केंद्र और नागरिक अस्पताल जैसी कई समस्याओं पर विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री से चर्चा की थी। इस बैठक में सीएम ऑफिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। पर्पस था तो एक तो थेड जो माउंड है उस नेशनल मॉन्यूमेंट के लिए जगह वो जो है वहाँ की समस्या का हल कैसे निकाले, और हाउसिंग बोर्ड के कुछ फ्लैट्स हमने इसमें उनको विस्थापितों को वहाँ रखा था तो उसका भी समाधान कैसे निकाले इस बारे में चर्चा करनी थी। और दूसरा जो सेवा विभाग है उसके मुख्यतः ड्रग एडिक्शन और वृद्धाश्रम, इनकी जो हमारी स्कीम्स चल रही है और बनानी है नई, उसके बारे में चर्चा निरीक्षण किया। व्यवस्थाएं कुछ तो ठीक है, कुछ कमियां हैं, और यही देखने के लिए आया था मैं कि क्या कमियां हैं और कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है। जो ड्रग की समस्या है, काफ़ी गंभीर समस्या, और उसके बारे में जो नशा मुक्त भारत अभियान की जो गाइडलाइंस आई हुई है और उसके तहत जो कार्रवाई करनी है तो वो हम यहीं से शुरू करेंगे पूरी तरह से। इसीलिए आज पहली बार यहाँ पे कमियाँ तो है कि हमारे पास थोड़ी जगह की समस्या है और स्टाफ की भी समस्या है, तो इन दोनों समस्याओं का समाधान निकालेंगे। बट इसके वो तो समाधान जल्दी ही निकल जाएगा, वो तो समाधान निकलने के कगार पे ही है। इसके अलावा बाकी भी है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, रिहैबिलिटेशन कैसे करें, सारी चीज़ें हैं, तो इस पर विचार विमर्श चल।